प्यारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी थी की बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं कमाल के तो हैं ही वो, लेकिन वो लेजेंडरी राइटर्स में से एक हैं, इंडियन और उर्दू, हिंदी और उर्दू के कमाल के पोएट हैं। मैं गानों की बात नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपने बॉलीवुड के 10 अच्छे गाने सुने हैं ना तो यकीन मानना दो गाने उन्होंने लिखे हैं। सैयद कादरी सर आज हमारे साथ हैं। सर थैंक यू सो मच आप आए। थैंक यू टू यू। कैसे हो आप? मैं दुआ, तुम बताओ क्या हो रहा? सब बढ़िया सर। सर जोधपुर का एक लड़का जी, जोधपुर की गलियों में घूमता था, कब आइडिया आया, कब एक पैशन होता है ना कि कब लगा कि मुझे राइटर बनना है? दोस्त मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, हाँ जी सर, तब से मुझे कुछ पोइट्री का शौक हुआ है ना। तो इनिशियली हाँ, इनिशियली क्या होता है कि आदमी तुक आधे अधूरे ख्याल होते हैं, थोड़ी तुकबंदी होती है ना, मगर ये मुझे लिखने का शौक था तो मैं लिखता रहा। कॉपी के आखिरी पन्नों पर ऐसा? हाँ, पन्नों पे लिखता था, कोई चीज नजर आती थी उस पे लिख देता था ताकि याद रहे है ना, क्योंकि कई बार आपका ख्याल आपका थॉट निकल जाता अगर आप थोड़ी देर लिखोगे नहीं तो है ना। तो इस तरह करते करते फिर मैं जब स्कूल तक आया 11th स्टैंडर्ड तक, तो काफी अच्छी पोइट्री हो गई थी मेरी, कलेक्शन हो गया। हाँ कलेक्शन हो, और कॉलेज पहुंचते तो काफी अच्छी पोइट्री करने लग गया था। तो दोस्त कहते थे कि यार आज कुछ सुनाओ, क्या नया लिखा कुछ सुनाओ। तो मुझे लगता था यार दोस्त हैं थोड़ी टांग खिंचाई करते हैं, है ना, होता है ख्याल। मगर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कुछ में से कुछ ऐसे दोस्त थे जो बहुत संजीदा थे, सच में सुनना चाहते थे। वो कहते हैं सईद भाई आपको, मुझे हमें लगता है कि आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, है ना। लिरिक्स राइटर? हाँ। बोले देखिए हम तो, किसी को फॉरेस्ट ऑफिसर बनना था, किसी को IAS बनना था, किसी को RS। और सर आपका जो दौर था वहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स करनी है पहले तो सबसे। हाँ उस वक्त ये दौर था कि अमूमन लोग पसंद करते थे बैंक की जॉब, गवर्नमेंट की जॉब। हाँ तो सबका ख्याल होता था, है ना। मेरे मदर फादर भी चाहते थे कि मैं कहीं ग्रेजुएट होके कहीं काम कर लूँ, मगर जब दोस्तों ने कई बार दो चार करी आपको अपने को कुछ वक्त देना चाहिए, है ना, एक दो साल तय करके जाओ आप, और हमें लगता है कि आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। तो बस वो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मुंबई आ गया। कौन सी एज में सर? ये है 86 की बात है सर, 86 की। तो दो साल का वक्त तो क्या था, 7 साल निकाल दिया मैंने। अच्छा, पता भी नहीं लगा? पता ही नहीं चला, और कुछ काम मिला नहीं। 7 साल मैंने यहाँ स्ट्रगल किया, और सिर्फ नाउम्मीदी के साथ, और कुछ नहीं था मेरे पास। पर एक बहुत अच्छी बात हुई कि इस दरमियान मेरी मुलाकात महेश भट्ट साहब से हो गई। अच्छा, उस टाइम जी। तो महेश भट्ट साहब से जब मेरी दोस्ती, तो उनसे मिलना मिलाना हुआ, तो वो पूछते थे क्या लिखा आज नया, क्या है कुछ है, तो मैं सुनाता था उनको। तो इनको मेरी पोइट्री बहुत पसंद थी, और वो ये कहते थे हमेशा कि यार जब भी मुझे मौका मिला तो मैं तुझे, तेरे साथ काम ज़रूर करूँगा, तुझे ब्रेक ज़रूर दूंगा, है ना। तो बस उसी उम्मीद पे ये धीरे धीरे, कभी किसी ने वादा किया, कभी किसी ने वादा किया, मगर उसी तरह से वक्त निकलता गया। और 7 साल कब निकल गए पता नहीं चला। सर मैं आपकी पोइट्रीज की बात करूँ ना, तो मैं कई बार ना ऐसे ढूंढता रहता हूँ कि लोगों कुछ सीखने के लिए कुछ निकलता रहता है। मैं आपकी दो लाइन इतनी बिलीव करता हूँ अपनी लाइफ में। आपने ना अपनी बुक में दो लाइन लिखी है कि लोगों से मिलो तो ये एहतियात रखना, उनसे उनके पसंद की बात करना। मैंने वो आपकी दो लाइन आपने लिख के छोड़ दी, मैंने वो बातें लाइफ में ऐसे रख ली अपने पास संभाल के। लोगों से जब मिलो तो ये एहतियात रखना, जो उनको पसंद आए, क्या ऐसे ही कुछ। हाँ, 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 उनसे वही बात करना। राइट, सही बात है, एकदम करेक्ट बात है सर। क्या आजकल आपको क्या पता नहीं लगता, देखिए आप बहुत दिल से भोले हैं या मासूम हैं, और आप कोई बात कह देते हैं, अगला उसको किस तरह से लेता है यू नेवर नो, है ना। तो बेहतर ये होता है कि आप बहुत सोच समझ के, संभल के बात करें किसी से, ताकि किसी को बुरा नहीं लगे, है ना। सर 7 साल स्ट्रगल जी, देन फिर महेश भट्ट सर मिले आपको। हाँ फिर देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को, डायलॉग भी है ना शाहरुख खान की फिल्म का,
कि अगर आप किसी शिद्दत से तो कायनात शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने लग जाती है। बस मेरे साथ भी यही हुआ कुछ 7 साल। अब तुमको एक ताजुब की बात बताऊं ये कि मैं यहाँ से जब लौटा 7 साल स्ट्रगल करके उसके बाद मैं LIC एजेंट बन गया था। अच्छा हाँ। कितने साल किया आपने? मैंने 10 साल LIC एजेंट का पर सर उसमें लिखना तो नहीं छूटा होगा? नहीं नहीं लिखना तो क्या मट्टी में है मेरे, है ना, मेरी फितरत में, मेरी रूह में। मैं पैदा हुआ तो अंदर से ये सिलसिला, कुछ भी ना करे तो मैं लिख रहा हूँ। हाँ मैं लिख रहा हूँ, नहीं वैसे भी लिखता था मैं, है ना। और तो मेरे जो कलेक्शन है, एक किताब भी है आवारापन, शायद तुमने देखी हो। मैंने पूरी बुक पढ़ी है। हाँ जी, उसमें तो मेहंदी वाले हाथ वाला जो हाँ, आपने पूरी शायरी लिखी है। तो ये सिलसिला भाई चलता रहा और मैंने 10 साल LIC एजेंट बतौर काम किया, है ना। फिर शायद ऊपर वाले को रहम आ गया मुझ पर, वो कहा ना कि स्क्रीन प्ले ऊपर वाला लिखता है सबकी जिंदगी का। मेरे साथ भी यही हुआ कि तारक मेहता जो सीरियल देखते हैं आप, उसमें शैलेश लोढ़ा हैं जो रोल करते हैं, वो भी जोधपुर के हैं। हाँ जी सर। तो उन्होंने एक बुक निकाली थी, उसके इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने महेश भट्ट साहब को बुलाया जोधपुर। तो मेरा छोटा भाई था जहीर, जिसको प्यार से हम राजू कहते हैं, उसने कहा भाई साहब पेपर में आ गया था कि महेश भट्ट साहब आ रहे हैं वहाँ न्यूज़ में, तो आप मिलने चलोगे? तो मैंने उसको मना कर दिया। बोले कमाल है आपके तो बहुत अच्छे मरासिम रहे उनसे, है ना, और बाप वो आ रहे हैं तो मिलना चाहिए आपको। हाँ। तो मैंने मेरे जहन में ये ख्याल था कि महेश भट्ट साहब बहुत आगे निकल चुके थे जिंदगी में, है ना, वो दिमाग में चल रहा है। हाँ दिमाग में चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं मेरे जैसे सईद कादरी उनसे रोज मिलते होंगे, है ना, और मैं उनको याद हूँ या नहीं हूँ, है ना। और मैंने कहा भाई देव मुझे नहीं पहचाना तो मुझे तकलीफ होगी। क्योंकि हाँ उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा मैंने, है ना, और उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत हौसला अफजाई की मेरी उस ज़माने में, है ना। ये और बात है कि उस वक्त शायद लिखा नहीं था उस वक्त मेरे नसीब, तो चाह के भी मुझे काम नहीं दे पाए। तो मैंने उसको मना कर दिया, भाई बेचारा चला गया चुपचाप। फिर नेक्स्ट डे जब मैं LIC के काम से अपने निकल रहा था बैग टांग के कंधे पे, तो अचानक भाई आया फिर स्कूटर लेके, बोले भाई साहब से एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तब मुझसे पूछा कि भाई साहब क्या इरादा, कुछ चलना है आपको? तो मैंने कहा यार जिंदगी ने और जिंदगी में अपने लिए तो कई बार जलील हुए, आज भाई के लिए हो जाते हैं। ताकि इसको आपने बोल दी, हाँ कि कम से कम इसको ये तसल्ली हो जाएगी कि भाई साहब क्यों नहीं जाना चाह रहे थे, है ना। तो मैं उसके साथ स्कूटर पे पीछे बैठ गया और वो जिस वहाँ शहर के जिस 5 सितारा होटल में ठहरे थे भट्ट साहब, वहाँ मिलने चले गए हम लोग। देखो तुम अजीब से एक बात है कि इत्तेफाक है या क्या समझो इसको आप, मेरी जैसी लॉबी में एंट्री हुई, है ना, होटल की, भट्ट साहब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे शैलेश लोढ़ा के साथ, और सीढ़ियों से उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और यकीन करना वो वहीं रुक गए एक मिनट के लिए। वो गौर से मुझे देख रहे थे एक मिनट के लिए, और मैं अपनी जगह खड़ा रहा, वो अचानक दौड़ते हुए आए मेरे पास और मुझे गले से लगा लिया। बोले यार तू कहाँ था, क्या कर रहा था भाई, ना तूने कभी हमें फ़ोन किया ना कभी कोई बात की, और बिना बताए चुपचाप एक दिन मुंबई से निकल गया, है ना। तो मैं लोगों से पूछता रहता था तेरे सर्कल के लोगों से कि यार वो सईद कादरी क्या है, वो लड़का कहाँ है, है ना। तो मुझे सिर्फ ये याद रह गया था कि तू सिर्फ पूरी याद रह गया था उनको कि मैं उदयपुर का हूँ, जयपुर का हूँ या जोधपुर। अच्छा। का है ना। और फिर बिल्कुल उनको मिल गया और बोले क्या कर रहा है तूने, लिखना पढ़ना बंद कर दिया क्या? मैंने कहा नहीं सर, लिखना पढ़ना कैसे बंद होगा, है ना, हाँ ये तो मेरी फितरत में है। तो बोले इन दिनों कुछ लिखा है, चल मेरे साथ, मुझे जिस कमरे में ठहरे थे वहाँ ले गए, क्या लिखा है इन दोनों। तो मैंने उस वक्त आवारापन बंजारापन की 5 शेर लिखे हुए थे, क्योंकि अपनी जिंदगी पे लिखे थे, है ना, आपकी खुद की कहानी। हाँ खुद की कहानी। ऐसे है कि यार क्या होता था कि रोज सुबह मैं तैयार हो जाता था नहा धो के, है ना, और ये सोचता था कहाँ जाऊँ तैयार होके। हाँ मेरी आदत थी कि 10-11 बजे नहा धो के अपना फर्स्ट क्लास फ्रेश होके रेडी रहूँ, मतलब घर में जो फीमेल्स थी उनके पास भी काम था
किसी को बच्चों के स्कूल ले जाना है, भाइयों को अपने काम पे जाना है, और मैं एक ऐसा आदमी नाकारा घर में बैठा हुआ था, है ना, रोज़ सुबह तैयार हो जाता था, जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, रोज़ रोज़ दोस्तों से मिलने जाओ तो वो भी समझते थे कि यार इसके पास तो काम है नहीं, रोज़ आ जाता है। समझा, ये बात है ना, ये जब मैं ये वो 87 की बात उस टाइम पे। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि भाई मैं निकल जाता था वैसे ही, है ना, तो फिर वो गाना कि आवारापन बंजारापन, एक खला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन भला है सीने में, है ना सर। पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला मुंबई? हाँ, ये पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, सर से आप जब मिले, मैं सर से, हाँ, भट्ट साहब, तो भट्ट साहब ने फौरन कहा कि भैया ये गाना मेरा है उसी टाइम। हाँ, उसी वक्त मेरी बेटी जिस फिल्म बना रही है, पूजा भट्ट, और ये गाना उसी के लिए है क्या? तो मैंने कहा सर बिल्कुल ले लीजिए। मैंने उसी वक्त कागज़ पर उनको होटल में बैठा था लिख के दे दिया, है ना। और सर वहाँ से फिर आप मुंबई आए फिर दोबारा? हाँ, उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया, है ना। पहले जिस्म आई, जिस्म के गाने हिट हो गए, है ना, मेरे बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया बाद के यार। उसके बाद फिर साया, फिर व्हाट्सअप लगातार मुझे काम देते सर रहे। मैं विकिपीडिया पे चेक कर रहा था गाने, मैं ऐसे करता गया, मैं अब मैं इसमें से दो तीन गाने भी, हमारी जैसे हाले दिल हो गया और मर्डर मूवी का गाना भीगे होंठ तेरे, मतलब वो गाने हम जब बड़े हुए धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल, तो वो हमारे टाइम की जनरेशन के लिए ऐसे थे कि ये गाने हमें दिन में 50 बार सुनते हैं। बिल्कुल, वो माहौल। वही मैं कह रहा था ना कि मैं आया यहाँ पे 76-77 में, और 86 तक मैं यहाँ स्ट्रगल करता रहा। हाँ, लोगों को दिखता है कि एज अ राइटर दिखता है यहाँ सब कुछ अच्छा, बट वो कहानी नहीं पता लोगों की, ये भी मैंने स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं भाई, पूरी जिंदगी का सफर एक जर्नी है, और जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है, है ना सर। एक और चीज़, जैसे राइटर्स जो हैं, राइटर पोएट आप देखोगे बहुत सब सारे लोग हैं, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में आते हो, मेट्रोनॉम पे गाना लिखना होता है आपको मीटर पे, और मैंने देखा ना अभी तक बहुत लोग हैं जो लिखते हैं अच्छा, लेकिन वो मीटर नहीं पकड़ पाते हैं। तो जो लोग हमें देख भी रहे, तो सर वो मीटर कैसे पकड़े, अगर उसकी प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए क्या होता है, एक आपके अंदर पोइट्री जो होती है उसके अंदर एक वजन होता है ना, बहर होती है, एक रिदम होती है, पूरा काफिया रदीफ सर। हाँ, रदीफ होता है वो तो है ही, उसके अलावा एक रिदम होती है। अगर आप में एक रिदम सेंस है ना, और ख़ास करके फिल्मों के गाने लिखने के लिए, क्योंकि कंपोजिशंस होती हैं, और कंपोजिशन अलग अलग तरह की होती है, कई बार कंपोजर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, है ना। हाँ, बहुत तो, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मगर क्या है कि उसके लिए आपको जहनी तौर पर बहुत मैच्योर होना पड़ता है ना, आपको अपडेट रहना पड़ता है मौजूदा दौर के म्यूज़िक से, मौजूदा दौर की पोइट्री से, है ना। तो उसके लिए आपको मीटर की, रिदम की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, और फिल्म के जो गाने हैं उसकी जो म्यूज़िकल टेक्निक्स जो होती हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो क्या बिल्कुल, तो क्या होता है कि बहुत सारे हमारे अदीब जो हैं, जिनके फिल्मों में भी लिखते हैं और पोइट्री मुशायरे भी पढ़ते हैं, उनकी किताबें भी हैं सर। फिर भी पोइट्री की बहुत आप गहरा शेर लिख सकते हो गानों में, आपको जैसे वो मीटर की वजह से आप कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है चीज़ें। नहीं, मैं नहीं करता हूं दोस्त, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सबसे पहली बात तो है कि मैं गाना म्यूजिक डायरेक्टर को उस वक्त तक नहीं देता जब तक कि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ। हाँ, मुझे लगता है कि अब ये देने लायक है ना, तब तक आप आगे, हाँ आगे देता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हाँ मैंने कोई अच्छी बात की है या मैंने कोई नई बात की है ना। सर अभी ना, जैसे पहले गानों के लिरिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, लेकिन अब भी अगर आप 3-4 साल में देखो तो कहीं ना कहीं म्यूजिक बहुत लिरिक्स, मतलब आप देखो कि बहुत रिपीटेशन वाले गाने बन जाते हैं और म्यूजिक लोग ज़्यादा सुनते हैं, लिरिक्स कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि प्ले, वो तो क्या होता है कि ये एक टेंडेंसी होती है फॉलो करने की, है ना, फॉलो करने की, है ना। तो क्या होता है कि बहुत से बार जो कोई गाना हिट हो जाता है तो हर आदमी ये चाहता है कि ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई, है ना। तो कंपोजर भी चाहता है कि मैं इस तरह का कोई गाना बनाऊं, है ना, राइटर भी चाहता है कि मैं इस तरह का, अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी चाहते हैं कि यार वो गाना कॉमर्शियली हिट हुआ था तो हम भी ट्राई करें। तो ये तो एक सिस्टम है। और सर आपकी लाइफ को अभी तक आप इतने गाने लिखे, पर सबसे मुश्किल गाना कौन सा लगा आपको जो लिखने में? नहीं देखिए, मुश्किल गाना तो क्या, मुझे थोड़ा सा वक्त लगा था भीगे होंठ गाना लिखने में, भीगे होंठ, है ना,
जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ, सबसे बड़ा। वो कह रहे थे जितनी ज्यादा मेहनत की आपने उतना ही बड़ा। क्या वो जो मुझे गाना दिया गया रिदम म्यूजिक, तो मैं काफी 5-6 दिन तक सोचता रहा उसके बारे में, मगर कुछ बात बन नहीं रही थी, है ना। तो उस जमाने में क्या है कि मैं परेशान भी हुआ कि यार क्या बात है, गाना बन नहीं पा रहा है ना। वो चलता रहता दिमाग, हाँ चलता रहता दिमाग में 24 घंटे, है ना। वाइफ भी कहती थी यार क्या हो गया इस आदमी को, 24 घंटे क्या सोच रहा है ये, है ना। मगर वो मैं चलता रहता था कि यार गा। फिर एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि 6-7 दिन बाद मैं जब सुबह सुबह उठा, मैं और मेरे घर के बाहर एक गुलाब का पौधा था गमले में, उस पर गुलाब के 2-3 फूल खिले हुए थे। तो मैं गया तो देखा कि एक गुलाब के फूल पे, एक पंखुड़ी पे एक ओस का कतरा, है ना, शबनम, एक सिर्फ एक पत्ती पे, हाँ एक बूंद थी। तो मुझे लगा कि किसी के होठों पे कोई शबनम का कतरा है, है ना। तो वहाँ से वो ख्याल आया, भीगे होंठ तेरे, है ना। आप यकीन करना, जो 6-7 दिन से गाना नहीं बन रहा था, उतने से वो 15 मिनट के अंदर पूरा गाना बन गया। और फिर और देख लिए बाकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, कितना बड़ा गाना बहुत है। और सर सबसे आसान कौन सा गाना लगा जो आपको कभी आया और तुरंत बन गया? नहीं, कई बार देखो कि इसमें कुछ फिक्स नहीं है दोस्त, है ना। कई बार 20-25 मिनट में आप गाना कर देते हैं, किसी गाने में आपको 2 दिन लग जाते हैं, है ना, किसी दिन पूरा 1 दिन लगता है, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके जहन में क्या चल रहा है उस वक्त, है ना। और आप हर एक चीज को जोड़ने की कोशिश करते हैं जब आप लिखते हो। हाँ नहीं, बिल्कुल जरूरी है भाई, एक मायार तो होना चाहिए गाने का यार, है ना। बिल्कुल सर, अभी के जो पोएट्स हैं, अभी अगर आप पोएट्री सुनते हैं, आपको यंग जनरेशन की जो पोएट्री, आपको कौन सबसे अच्छे लगते हैं यंग जनरेशन में? जो आप पोएट्री सुनते हैं, शायरी, उर्दू हिंदी शायरी, तो अभी की जनरेशन के कोई जो आपको बहुत पसंद हो? नहीं, बहुत बहुत अच्छे लिख रहे हैं आजकल के जो कई राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इरशाद कामिल साहब की दुआ थे, वो अच्छा लिखते हैं, है ना। एक नया लड़का है कुणाल वर्मा, हाँ वो भी अच्छा लिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, है ना। एक शकील आजमी साहब हैं, है ना, वो भी अच्छा लिखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त काम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और सर आप एक पोइट्री आपकी तरफ से, अगर आपको कोई बहुत आपकी कुछ बहुत पसंदीदा पोइट्री हो, अगर आप आज करना चाहो, कोई शेर हो, शायरी हो। एक मेरी नज़्म है जो मुझे बहुत पसंद थी जब मैं स्ट्रगल के डेज में था, है ना। वो मैं छोटी सी नज़्म में सुना देता हूँ कि जहाँ इंतज़ार मिले मेरा, जहाँ इंतज़ार मिले मेरा, यहाँ ऐसी कोई नज़र नहीं। क्या बात है। जहाँ इंतज़ार मिले मेरा, यहाँ ऐसी कोई नज़र नहीं। है हजारों लाखों मकाम अगर, है हजारों लाखों मकाम अगर, जहाँ जा सकूँ वही घर नहीं। क्या बात है। जहाँ जा सकूँ वही घर नहीं, वही घर नहीं। और ये 2 घड़ी को मेरी थकन उतर सके वो शजर नहीं। जहाँ 2 घड़ी को मेरी थकन, जहाँ 2 घड़ी को मेरी थकन उतर सके वो शजर नहीं। शजर बोलते हैं पेड़ को, है ना, है ना, जिसकी छाया में आप बैठ जाए, है ना। जहाँ इंतजार हो मेरा, यहाँ ऐसी कोई नजर नहीं। क्या बात है। और सर एक लास्ट सवाल, सर आपने सर लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कुछ लाइफ लेसन होते हैं जो लगता है, एक होता है ना कि हाँ मैं लाइफ में इस लेसन को तो हमेशा मान के चलता हूँ, कि किस चीज को, एक लेसन होता है ना जिंदगी में जो आपके माँ बाप ने आपको बताया, आपके किसी गार्जियन ने बताया, किसी ने आपको ऐसा बताया और आपने उस बात को संभाल लिया, जो बहुत आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन को समझना चाहिए अगर वो जिंदगी में कामयाब होना है, ऐसी कुछ बात है? वो देखिए मेरी सीख है, मेरे मदर फादर ने मुझे हमेशा दी कि अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप से किसी का अच्छा नहीं होता तो कम से कम उसका बुरा मत करो, है ना। तो ऐसे कई बार मेरी जिंदगी में मकाम आए, दौर आए, जहाँ मुझसे किसी के बारे में पूछा गया, है ना, तो मैंने सिर्फ यही कहा कि सब मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, है ना, उनके बारे में, है ना। तो किसी के बारे में भी कोई राय जब आप कायम करते हैं ना, उस वक्त तक राय कायम मत कीजिए जब तक आप खुद उससे जान नहीं लो, मिल नहीं लो, है ना। लोगों के कहने पे किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए, है ना। और जहाँ तक हो अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, है ना, बस।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लेजर प्लेजर में, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बेटा। एक छोटा सा गिफ्ट हमने आपके रखा है सर, आई होप आपको पसंद आएगा। मैं फोटोज ढूंढने में लगा, अरे वो गजब, तो मुझे थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, क्या बात है सर। एक फोटो, सैयद कादरी सर ने जब अपना पहला गाना लिखा था ना आवारापन बंजारापन, तो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था, सिगरेट का जो पेपर होता है उसको खोल के उस पर अपना पहला गाना लिखा था। ऐसी कमाल की कोशिशें उन्होंने की है ज़िंदगी में, इतनी मेहनत की है लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया है, और आज वो इंडिया के लेजेंडरी राइटर्स में से एक हैं, लेजेंडरी गीतकार लिरिसिस्ट में से एक हैं। तो उनसे हमने आज सीखा, जिंदगी में कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, और किसी का बुरा नहीं, किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा मत करो। ऐसी अनेक लेजेंडरी लोगों को हम आपके बीच में लेके आते रहेंगे, और आप देखते रहो तब तक बातें विद दिव्यांश राणा। बहुत बहुत शुक्रिया।